Today we are going to show you the unexplored area, Lat Basti, which exists in Karachi. अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जन्नत दिरवी। आज एक बार फिर हम लट बस्ती में मौजूद हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। फर्स्ट टाइम हम आए थे तो ड्रोन से फोटोग्राफी की थी, फिर मेरा पेपर था, पेपर की वजह से हम जल्दी गए थे, व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज फिर हम आए हैं, लट बस्ती का खूबसूरत व्यू आपको दिखाएंगे। इस देर में हमने चाय पिया, लट बस्ती को एक्सप्लोर करने आए थे और अभी हम जाएंगे आगे, आगे का सीन आपको दिखाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं साईं बाबा? इसको हम ले जा रहे हैं जेटी पे। जेटी पे, जेटी जगह का नाम है ना? हाँ। अच्छा, तो अभी हम जेटी जाएंगे साईं लोगों के साथ और आप लोग दिखाएंगे, घूमेंगे, कश्ती का सीन आप दिखाएंगे। यहाँ हमारे दादे परदादे यहीं पे आबाते, तो बोलते हैं कि ये 400 साल पुराना घोट है, तब से हम यहाँ लट बस्ती में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो गोट है इसमें मतलब पुरानी बस्तियाँ हैं, पुराने गोट है, चफरे है, फिर सी साइड इसका बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मछली का कारोबार होता है, मछली का शिकार करते हैं, फिर मुख्तलिफ जगहों में बेचते हैं। तो इस बस्तियों का जितना भी सिस्टम है, इनकम सिस्टम सारा इस फिशिंग पे चल रहा है। फिशिंग करते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो फिशिंग का भी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ। इब्राहिम हिदरी से लेकर लट बस्ती तक जितना भी एरिया है, ये सारे जो है मछली के बिज़नेस से चलता है। फर्स्ट टाइम आई हैव हिटन राइस ब्रेड हियर, मतलब पहली दफ़ा चावल का रोटी यहाँ का ही लट बस्ती में, और वो भी मछली के साथ। इट वॉज फैंटास्टिक। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल गफूर है। हमारा गांव लट बस्ती बहुत पुराने अरसे का है। हमारे दादे परदादे इस गांव में पैदा हुए। हम लोग माइगर है, माइगर लोग हम हैं। हम मछलियाँ पकड़ते हैं, झींगा पकड़ते हैं, और जब आते हैं तो कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो उनको हम मछलियाँ खड़ा खिलाते हैं, झींगा खिलाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, आप भी चलो। बच्चा डीजल लेके आया, लंच में डालेंगे और अभी हम लंच का सफ़र करेंगे, लंच का व्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को। सो दो किस्म के लोग हैं, एक जो है पाँव का ख्याल रखते हैं और दूसरा जो है शूज का ख्याल रखते हैं। शूज पहले से गंदा हो रहे, पाँव में भी पानी आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे लंच करीब आई, करीब आके हम बैठेंगे इसमें। और यहाँ पे मुझे पहले दफ़ा बोट से ड्रोन उड़ाने का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई। बहुत ज़बरदस्त था,
ड्रोन वाला मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि हम समझे हमारा ड्रोन चला गया यार निकल गया वो जितने ऊपर जा रहा था हमारा दिल निकलते जा रहा था गया हमारा ड्रोन। अच्छा मेरे साथ आप लोग के भी दिल धड़क रहा था। सनसेट का जो सीन है ना क्या सीन है भाई, सामने किश्ती खड़ी है और व्यू शाम होने वाले दूसरी किश्ती में खड़ा है कितना खूबसूरत है। भाई ने हिम्मत करके मुझे उठा के लाया, थैंक यू फारूक भाई। माशाल्लाह बहुत तफरी की, बहुत अच्छा दिन गुजरा, कैमरा विदाउट कैमरा दोनों हालातों में बहुत इंजॉय की। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा फॉर नाउ।